Hello student, welcome to Zenith Guru. I am Akansha, your biology teacher. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल. सेल, what is सेल? सेल is a structural and functional unit of life. राइट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बिल्डिंग ब्लॉक्स. जैसे एक बिल्डिंग्स के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है ना, ब्लॉक्स की जरूरत होती है, वैसे एक बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनने के लिए सेल्स की जरूरत पड़ती है. तो इन अनदर टर्म्स हम क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल. ओके, सो दिस इज सेल. अभी सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन 1665. उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था सेल को? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इन्होंने कॉर्क स्लाइस देखा था, कॉर्क स्लाइस को अंडर द माइक्रोस्कोप. तो हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप भी बनाया था, फर्स्ट माइक्रोस्कोप भी कंस्ट्रक्ट किया था, एंड उन्होंने उसके अंदर किसको ऑब्जर्व करा था? उन्होंने किया था कॉर्क स्लाइस. ओके, तो उस कॉर्क स्लाइस को जब उन्होंने देखा अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उन्हें टिनी कंपार्टमेंट्स दिखे. ओके, उन्हें टिनी कंपार्टमेंट्स दिखे. वो टिनी कंपार्टमेंट्स कैसे थे? लाइक दिस. और उसके आसपास जो है स्पेस था, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के नाम से जानते हैं आप, वो स्पेस भी उसके अराउंड था. उन्होंने वो चीज़ भी देखी. नाउ अब इस लिटिल टिनी कंपार्टमेंट को उन्होंने बोला सेल्यूला. सेल्यूला इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स सेल. ओके, नाउ रॉबर्ट हुक के बाद हमारे पास सेकेंड साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लीवन हॉक. ओके, एंटोन वॉन लीवन हॉक आए इन 1674. इन्होंने क्या देखा? ही वॉज द डच मर्चेंट एंड माइक्रोस्कोपिस्ट. ओके, तो ही वॉज द सेकेंड पर्सन जिसने माइक्रोस्कोप को क्या किया था? मॉडिफाई किया था. उन्होंने रॉबर्ट के माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है, उसका मॉडिफाइड वर्जन बनाया. और उन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व सेल्स इन पॉन्ड वाटर. ओके, अब उन्होंने पॉन्ड वाटर में क्या देखा? उन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा बैक्टीरियल सेल, ओके, एंड स्पर्म सेल,
स्पर्म सेल उन्होंने फिग और सॉरी फिश एंड फ्रॉग का देखा था। ओके, तो इन्होंने ये थ्योरी बताया कि उन्होंने ये सेल्स देखे थे पॉन्ड वाटर के अंदर देखे थे। उसके बाद आए थे रॉबर्ट हुक, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन की थ्योरी क्या थी? रॉबर्ट ब्राउन की थ्योरी थी, इन्होंने 1831 में दिया था, इनकी थ्योरी थी, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या देखा? सेल्स के अंदर, इन टिनी कंपार्टमेंट्स के अंदर एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, नाउ इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए थे पुर्किनेज। अब पुर्किनेज एंड मॉल ने क्या थ्योरी दी? इन्होंने न्यू थ्योरी दी प्रोटो प्लाज्मा के बारे में। उन्होंने बोला कि जो सेल है उसके अंदर एक लिक्विड है, कुछ लिक्विड सब्सटेंस है। वो लिक्विड सब्सटेंस क्या है? उन्होंने कैसे बताया था? लिक्विड सब्सटेंस है, वो लिक्विड सब्सटेंस क्या है? प्रोटो प्लाज्मा। अब प्रोटो प्लाज्मा क्या होता है? हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को कहते हैं प्रोटो प्लाज्मा। ओके, और ये थ्योरी दी थी इन्होंने 1936 में। तो ये तो थी हमारी सेल थ्योरी। ओके, एक बार एक स्लाइड पे हम सारी थ्योरीज लिख लेते हैं। सेल थ्योरी, फर्स्ट कौन आया था? रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में? 1665। क्या डिस्कवर किया था? सेल। नेक्स्ट एंटोन वान, लीवन हॉक, ये कब आए थे? 1674। इन्होंने क्या देखा था? यूनिसेल, यूनिसेल्यूलर सेल्स इन पॉन्ड वाटर, इन पॉन्ड वाटर। इसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 इन्होंने क्या बताया था? न्यूक्लियस के बारे में, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। एंड लास्ट में पुर्किनेज एंड मॉल, कब आए? 1636। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्मा। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। इसके बाद बात करते हैं सेल शेप एंड साइज के बारे में। तो पहले एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। दिस इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक ने। पहले रॉबर्ट हुक ने बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया था, एंड लेटर ऑन लीवन हॉक आए, उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया था। उसके बाद फिर से हुक ने क्या किया, उस पर वर्क करना शुरू किया,
एंड उन्होंने ऑप्टिकल ऑप्टिकल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ओके, इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया, जैसे अर्नस्ट थे वो आए थे और उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाना शुरू किया। ओके, आगे देखते हैं। व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक सॉ दैट कॉक रिजेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब लाइक कंसिस्टिंग सो मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। वो जो लिटिल कंपार्टमेंट था, वो लिटिल कंपार्टमेंट कैसा दिख रहा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इट वॉज काइंड ऑफ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम बार्क ऑफ ट्रीज। आप लोगों ने देखा होगा ना, टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या करते हैं, हम कुछ लगा कर रखते हैं जिससे कि बाहर का जो भी कंटामिनेशन है वो उस अंदर ना आए, राइट। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो कॉर्क होता है, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। अब वुडन ब्लॉक जैसा कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कॉर्क होता है जो कि ट्री की बार्क से बनाया जाता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड हिज चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। कैसे बनाया था उन्होंने, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा। उन्होंने क्या बोला, देर वॉज अ लिटिल रूम एंड वो लिटिल रूम जो था उसको उन्होंने क्या बोला था, इन अ लैटिन वर्ड, सेल्यूला। ओके, नाउ नेक्स्ट। दिस मे सीम टू वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। और ये बायोलॉजी की हिस्ट्री में पहली बार था कि जब पता लगा इन 1665 कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी किसी चीज़ से मिलकर बने हुए, उनकी भी कोई एक यूनिट है और वो यूनिट क्या है, सेल। सो सेल किससे बने होते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, आई एम सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था अनियन पील। अनियन पील के भी सेल्स को ऑब्जर्व किया गया था अंडर माइक्रोस्कोप। कैसा दिखा कि ये जो टिनी कंपार्टमेंट्स हैं, ये टिनी कंपार्टमेंट्स क्या है, सेल, और इनके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, सो सेल किसने बता दिया था, हमारे रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नाउ नेक्स्ट। दिस पॉइंट, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉक्स स्लाइड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। लीवनहॉक इन 1674 विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इट वॉज द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। एंड पुरकिनेज इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्मा फॉर द फ्लूड सब्सटेंस ऑफ द सेल। दिस इज द सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स, सेल दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, शेल्डन एंड शॉर इन 1839। दिस सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय विर्चो। एंड बाद में क्या हुआ, विर्चो आए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए थे, सो विर्चो आए इन 1855 एंड उन्होंने सजेस्ट किया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल की थ्योरी कुछ ऐसी है,
एग्जिस्टिंग सेल। लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है, पेरेंट सेल, सिस पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो गया इन सम अदर सेल, इसकी ही बॉडी का पार्ट है वो यहाँ पे निकल आया, तो इसको क्या बोलोगे, डॉटर सेल। क्या है ये, डॉटर सेल। सो पेरेंट सेल से डिराइव हुआ डॉटर सेल, यानी एक सेल को जनरेट होने के लिए, एक सेल को प्रोड्यूस होने के लिए इससे पहले कोई सेल चाहिए, प्री एग्जिस्टेबल सेल चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी। मतलब लाइक हमारा एग्जिस्टेंस कैसे है, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे पेरेंट्स की ही जीन्स हमारे अंदर आए हैं, सो वी आर एग्जिस्टेड हियर। सेम ऐसे ही पेरेंट सेल से डॉटर सेल बना, एंड दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी विच इज़ गिवन बाय विर्चो इन 1855। नाउ विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, ऑब्जर्व द अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस ऑर्गेनेल। और इन 1940 क्या था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया, राइट। अब बात कर लेते हैं सेल के शेप एंड वेरियस टाइप ऑफ सेल दैट अकर्स इन अवर बॉडी। तो ये हमारा है फैट सेल्स। फैट सेल्स कहाँ पे होगा, फैटी एरिया में होगा मेनली। आप सबसे इजीली जहाँ पे पाया जाएगा वो है चीक्स। नाउ नेक्स्ट दिस इज ओवम। ओवम इज व्हाट, ओवम इज फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट और यू कैन से एग सेल, ओके दिस इज एग सेल। नेक्स्ट दिस इज स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स कहाँ पाया जाता है, आपके मसल्स के अंदर। कैसे होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड। ये आपका बोन सेल है, बोन सेल बोन के अंदर पाया जाता है। लेट सपोज ये हमारा बोन है, ये बोन जो है अंदर से हॉलो होता है, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, और ये लिक्विड क्या होता है, इनमें बोन सेल्स होते हैं एंड बोन मैरो होता है, बोन मैरो। द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन मैरो का काम क्या होता है, बोन की डेंसिटी को मेंटेन करना, बोन की डेंसिटी प्रोवाइड कराना। एंड दिस छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज स्पर्म सेल विच इज मेल गैमेट। मेल गैमेट एंड इलोंगेटेड सेल, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड इज दिस नर्व सेल, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये वाला जो पैराग्राफ है, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब मैग्नीफाइड लेंस बने माइक्रोस्कोप्स के लिए, तो क्या था कि काफ़ी सारी न्यू डिस्कवरीज मिली इसकी मदद से। कैसे, इट इज़ नाउ नॉन दैट सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। इसने क्या कर दिया कि जो भी सिंपल स्ट्रक्चर्स थे ना, लाइक आपका जो सिंगल सेल होता है उसके स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड करके दिखाया, अमीबा का हो या किसी भी चीज़ का हो, तभी हमें क्या पता लगा, शेप एंड
साइज ऑफ द सेल। ओके, इससे पहले पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, सेल हमेशा टू टाइप में होता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। ओके, प्रो मींस प्राइमरी, ऐसे याद रखना है, प्रो मींस प्राइमरी। सो प्रोकैरियोट्स मींस अंडर डेवलप्ड प्राइमरी सेल्स, अंडर डेवलप्ड सेल्स। यूकैरियोट्स डेवलप्ड सेल। और या फिर आप बोल सकते हो प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। मतलब मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ओके, यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। Which is made up of various kind of cells. Okay? Now, इसका अगर एग्जाम्पल देखें या फिर और डिटेल में बात करें तो इसमें डिविजन ऑफ लेबर जो है, डिविजन ऑफ लेबर मियोटिकली होगा, मियोटिकली होगा। यहां से एक वर्ड समझ लो, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि सेल का डिविजन होना। तो डिवीज़न तो दोनों में ही होंगे, ठीक है, पर तरीका अलग अलग है। लाइक जो आपका यूनिसेल्युलर होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा, उसका जो डिवीज़न होगा वो मियोटिकली होगा। मियोटिक एंड इसमें कैसा होगा, माइटोटिकली, सॉरी, इसमें माइटोटिकली, हाँ, मियोटिकली एंड इसमें मियोसिस, इसमें मियोसिस की मदद से होगा। दोनों टर्म समझ लेते हैं। ये मेरे पास सेल है दो पार्ट्स हैं सेल के, ठीक है, दिस इज एन, दिस इज एन, सो दिस एंटायर पार्ट इज 2N. 2N means diploid. 2N means diploid cell. Okay? Now, diploid cell का मतलब है इसमें number of chromosomes जो हैं ज़्यादा होंगे, मतलब कि complete होंगे. So, diploid का मतलब complete number of chromosomes, complete number of chromosomes available होंगे। chromosomes के बारे में discuss करेंगे, अभी सिर्फ idea के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं, complete number of chromosomes, okay, which is 46 in pair. Now, अब ये cell है, इसने divide कर दिया, एक दो, दिस इज एन, दिस इज एन। सो
अब क्या हुआ, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना अपना सेल जो है, हाफ कर दिया। सो दिस इज हैप्लॉइड, मतलब हाफ क्रोमोसोम। हाफ क्रोमोसोम्स, ओके। उसके बाद क्या होगा, जब ये हाफ हाफ हो गया डिवाइड, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हाफ ट्रांसफर होगी। मींस कि एग्जैक्ट जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखेगा, दे विल बी डिसिमिलर इन लुक्स, ठीक है, फिनोटाइपिकली, यानी कि जो भी आउटर अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस, ऐसे डिवीजन को कहते हैं मियोसिस, ओके। ऐसे डिवीजन को कहते हैं मियोसिस, जो नॉर्मली के कहा किन में देखा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक ह्यूमन हो गया या एनिमल्स हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी पेरेंट्स, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही सिमिलर दिखता हो, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज मियोसिस। अब मियोसिस की जगह ये हमारा 2N है, डिवाइड हो रहा है 2N में, मतलब डिवीजन क्या हो रहा है, सेम गैमेट का हो रहा है, यहाँ भी डिप्लॉइड था, यहाँ भी डिप्लॉइड है, यहाँ भी डिप्लॉइड है। तो ऐसे डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस, ऐसे डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। और ऐसे केस में जो ऑफस्प्रिंग होगा आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ओके। इसे और क्या बोलते हैं, क्लोन। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग क्लोन की फॉर्म में होता है, ठीक है। सो दीज आर सम डिफरेंस, और भी डिफरेंस होते हैं, प्रोकैरियोट्स का साइज बहुत ही कम होता है, लाइक 0.52, साइज की बात कर लेते हैं, यूमीटर, और पता करते हैं सेल शेप के बारे में। तो सेल शेप जो है प्रोकैरियोट्स का कैसा होता है, सॉरी सेल साइज, इट इज अराउंड 1 to 10 μm, और प्रोकैरियोट्स का कितना होता है, 5 to 100 μm। ओके, सो दिस इज सेल शेप एंड सेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल ऑर्गेनेल जो है, अभी हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, एब्सेंट, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका डीएनए, स्कैटर्ड होता है, इसका डीएनए बाइंडेड होता है, बाइंडेड एंड अरेंज्ड, ओके। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पता होगा आप लोगों को। अभी के लिए इतना डिफरेंस करते हैं, और इसके आगे सेल का स्ट्रक्चर भी हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट। सो यस, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, इन सम केसेस लाइक सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड
peculiar for particular type of cell. For example, nerve cell have type typical shape. अब देखो क्या है, अमीबॉइड, अमीबा जो है अमीबॉइड शेप का होता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. ये अपनी शेप जो है चेंज करते रहते हैं, रिजिड सेल वॉल होता है इसका. कैसा सेल वॉल होगा इसका? रिजिड. रिजिड सेल वॉल, ठीक है, जो क्या करता है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, वो चेंज करता रहता है. नाउ नेक्स्ट, ईच लिविंग सेल एंड जो हम सॉरी एंड जो हमारा नर्व सेल होता है वो कैसा होता है? टिपिकल शेप का होता है, बहुत लॉन्ग होता है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन. हर एक सेल का फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे ब्रेन सेल्स सॉरी नर्व सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं? सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं. एक बार डिस्कस कर लेते हैं नर्व सेल्स के बारे में डिटेल में. दिस इज एग्जॉन. द गैप बिटवीन एग्जॉन इज कॉल्ड नोड्स. इट कॉल्ड नोड्स. ये क्या है आपका? नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग. और यहाँ पर एक नर्व एंड दूसरे नर्व के बीच में जो गैप होता है, गैप बिटवीन टू नर्व और एनी लाइक हर एक नर्व के बीच में जो गैप होगा उसे बोलते हैं साइनैप्स. ओके, अब साइनैप्स क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है. उस केमिकल को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. इस केमिकल को कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जो क्या करता है? नर्व इम्पल्सिस कैरी करता है, नर्व इम्पल्सिस को कैरी करता है एंड आगे जो है फॉरवर्ड या फिर ट्रांसमिशन करता रहता है नर्व इम्पल्सिस का. सो दिस इज नोड्स. इसके अंदर एक लेयर होती है दिस लेयर इज कॉल्ड माइलिन शीथ. माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फैट एंड लिपिड्स. फैट एंड लिपिड्स. Now this portion, this branch structure is called dendrites. Dendrites का काम क्या है? Impulses का transmission कराना. Pulses transfer होती है यहाँ से. Okay. This part is called perikaryon.
द इंटायर हेड पार्ट इज कॉल्ड पेरिकेरियन। या फिर इसको बोलो सोमा और सेल बॉडी। पेरिकेरियन को ही क्या कहते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, सोमा को ही सेल बॉडी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्मा। तो ये था आपका नर्व सेल्स, या फिर क्या बोल सकते हो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। डायग्राम आता है ड्रॉ करने के लिए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नर्व सेल का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सेल वॉल की बात कर लेते हैं। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं सेल का। दिस इज एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ओके, सबको पता है न्यूक्लियस के बारे में। नाउ न्यूक्लियर, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, जो प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये ER, कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मींस नो राइबोसोम अटैच टू, नो राइबोसोम। ईआर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। शुरू करते हैं ईआर से, एंडो प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ER। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER means smooth endoplasmic reticulum।
रेटिकुलम। सो रफ मतलब सरफेस उसका कैसा होगा, रफ, कुछ अटैच्ड होगा उसके ऊपर। क्या अटैच्ड होगा? राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होगा। लाइक दिस पार्ट विल हैव के सरफेस पे राइबोसोम। ठीक है, दिस पार्ट इज आर ई आर। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, स्मूथ सरफेस, दिस इज एस ई आर। अब करता क्या है ये आर ई आर और एस ई आर? जो आपका आर ई आर है ये करता है, राइबोसोम का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो प्रोडक्शन ऑफ और सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कैसे प्रोटीन्स? प्रोटीन्स लाइक ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, और हमारा एस सी आर क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है मतलब कुछ स्मूथ चीज़ें ही सिंथेसाइज कराएगा। वो स्मूथ चीज़ें क्या हैं? लिपिड्स, लिपिड्स का सिंथेसाइज, लिपिड सिंथेसाइज। ओके, लिपिड सिंथेसिस लाइक लिपोसोम, एग्जाम्पल इसका है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ई आर। अब ई आर से ही कुछ वेसिकल्स निकलते हैं, ये वेसिकल्स दिख रहे हैं, ये वेसिकल्स निकलते हैं एंड ये अटैच्ड हो जाते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे जिसे कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। दिस इज गोल्जी बॉडी। अब इन दोनों का काम जो है बहुत सिमिलर होता है। अगर ई आर डिफाइन करने को आया तो बोलेंगे अ चैनल दैट इज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड। और ये चैनल जो है ये कनेक्ट किससे हो रहा है? दिस पार्ट विच इज गोल्जी बॉडी। समझ लेते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। सो ये हमारा गोल्जी बॉडी है और इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं सिस, एंड दिस पार्ट इज ट्रांस। ओके, सो सिस मीन्स लाइक दिस पोर्शन ना, दिस आउटर पोर्शन इज सिस। सिस मीन्स सेम। ओके, इन ट्रांस मीन्स समथिंग इज लाइक ओपोजिट। ओके, तो अभी करेगा क्या? ईआर जो है, ईआर ने वेसिकल्स प्रोटीन वाले लिपिड वाले इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर आते ही उसकी पैकेजिंग शुरू होगी, तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या हो गया? बॉडी का फंक्शन हो गया पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। एंड जैसे ही बॉडी में, जैसे ही गोल्जी बॉडी में प्रोटीन
प्रोटीन का पैकेजिंग हो जाएगा, ये स्मॉल पैकेट्स जो दिख रहे हैं ना वेसिकल्स, इनकी फॉर्म में ये बाहर निकल आएगा, बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। सो ये था ईआर एंड गोल्जी, जो कि यहाँ पे स्मूथ, अब क्लियर हो गया होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है एंड ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसके अंदर ये गोल्जी अपैरेटस क्या है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। दिस इज न्यूक्लियस, दिस पार्ट इज न्यूक्लियर पोर, दिस पार्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप, जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होना शुरू होता है, न्यूक्लियर एनवेलप। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियस का काम क्या क्या होता है पहले ये समझते हैं। फर्स्ट, कंट्रोल हाउस ऑफ सेल। और यू कैन से ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं ऐसा इसको? बिकॉज जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी के पास होता है। जेनेटिक मटेरियल अपने पास रखता है, जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। ओके, सो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे डीएनए और आरएनए की। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? जो हमारा जो राइबोसोम्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन जो है डीऑक्सीजनेट हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, नाउ तो जेनेटिक मटेरियल भी कौन रख रहा है? हमारा जो हमारा न्यूक्लियस है वही रखता है इसको। और क्या बोल सकते हैं? जीन। डीएनए को और क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं। ठीक है, अब डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझ लेते हैं पहले। हमारा डीएनए जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनके बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा रहा है हमें। अब इन्हीं के अंदर जो है सीक्वेंसेस चलते रहते हैं और इन्हीं के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर,
क्रोमेटिन फाइबर से बना हुआ होता है, ओके, एंड क्रोमेटिन फाइबर जो है क्रोमोसोम्स उसी से बना हुआ होता है। क्रोमोसोम्स कितने पेयर होते हैं? 46 पेयर, 46 है यानी कि डिप्लॉइड। 46 जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री, जिसको क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। अब इस 23 में से जो 22 है ऑटोसोम्स एंड थर्ड जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल एंड फीमेल, सॉरी मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मेल के लिए है XY क्रोमोसोम्स, फीमेल के लिए होता है XX क्रोमोसोम्स, ओके, तो वो थर्ड वाला ही पार्ट शो करता है। नाउ नेक्स्ट बैक टू द स्लाइड। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल क्लियर हो गया। तो यही करता है न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन उसको ट्रांसफ़र करता रहेगा, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो न्यूक्लियस के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? इनहेरिडिटरी प्रॉपर्टी, इनहेरिडिटरी प्रॉपर्टी। और इनहेरिटेंस क्या होता है? जीन इज अ इनहेरिडिटरी मटीरियल, हेरिडिटरी मटीरियल, ओके, एंड इनहेरिडिटरी मटीरियल मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जितना भी ट्रांसमिशन हो पाता है ना, हमारा एग्जिस्टेंस कैसे है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है तभी है, ठीक है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इस अर्थ पर, उसका डिवीज़न कैसे होता है, वो नया इंडिविजुअल कैसे फॉर्म करता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर क्या बोलो, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो प्लाज्मा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिस इज साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? साइटोप्लाज्मा ये पूरा सेल है ना, ये जितने भी ऑर्गेनेल है ये फ्लोट कर रहे होते हैं एक लिक्विड के अंदर, ये सब कुछ एक लिक्विड के अंदर है, ठीक है, उस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटो मीन्स सेल, ठीक है, प्रोटो मीन्स न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियो प्लाज्मा या फिर न्यूक्लियोसोम का मतलब हो गया जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है जिसमें जो भी मटीरियल है फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा हो गया, जो भी आपके अंदर आपके सेल के अंदर जो लिक्विड है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे हैं समझते हैं। क्या है आपका माइटो कॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या करता है ये? अपने अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन,
एनर्जी का फॉर्मेशन। एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है? एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, अगर आपने सुना एडिनोसिन कहीं किसी मॉलिक्यूल में, समझ लो वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है टू द बॉडी। ओके, तो एनर्जी प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम? एनर्जी करेंसी। अब ह्यूमन बॉडी, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग लिमिट होता है एटीपी को स्टोर करने का। तो ह्यूमंस की फॉर्म में, ह्यूमंस में 38 ATP जनरेट होता है। ठीक है, हम 38 ATP का यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। ओके, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार, अगर अवेलेबल हो तो। यहाँ एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी समझ लेते हैं राइबोसोम के बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री। नेक्स्ट, एक चीज और समझना जरूरी है, यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं वो अलग हैं। इसके अलावा भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम्स। दीज आर फ्री राइबोसोम्स, क्योंकि इन ऑर्गेनेल के बाहर भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो हो गए हमारे फ्री राइबोसोम्स। तो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, वो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाता है। एक बार समझ लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम इज अ डाइजेस्टिव बैग। या फिर बोल लो सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं बिकॉज सारी हार्मफुल चीज़ें अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, डाइजेस्टिव बैग है। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या फिर बोलो जिनका पीएच क्या होता है? एसिडिक। पीएच कैसा होता है? एसिडिक। बहुत डेंजर होते हैं। ठीक है, तो वो करता क्या है? जो भी मटेरियल है, इसके दो फेजेस समझ लो पहले, तो तीन फेजेस समझ लो। एक है मैक्रोफेज, मतलब कि जब वो वायरस को खा जाता है। जैसे हमारा सेल है, यहाँ पे वायरस है। अब क्या हुआ? ये लाइसोसोम आए, इनके अंदर एक्टिव हो गए। अब ये जैसे ही, ये सूडोपोडिया पॉड्स मान लो, पॉड्स हैं,
अब उसने वायरस को अंदर ले लिया, तो अभी क्या हो जाएगा? लाइसोसोम प्लस वायरस कैसे फॉर्म हो जाएगा? ये हमारा लाइसोसोम, ये हमारा वायरस, ये इसको अपने अंदर इनक्लोज्ड कर लेगा, ठीक है, पैकेट बना लेगा एंड उसको धीरे 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 डाइजेस्ट कर जाएगा, आउट ऑफ द सेल ले जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट मैक्रोफेज, जहाँ पे वायरस को खा रहा है, ये वायरस को डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरा आपका आता है ऑटोफैगी, ऑटोफैगी इज द स्टेज जब सेल जो है, हमें पता है सेल क्या होता है, डेड होता रहता है एंड रीजनरेट होता रहता है, ठीक है। तो एक सेल है बहुत पुराना हो चुका है, अभी वो क्या बोलता है कि अभी किसी काम लायक नहीं रहा वो, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मुझे जो है डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो ये सेल है, अब ये अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो ये जो लाइसोसोम्स है वो इसके अंदर आएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। बड़ा सेल है तो बहुत सारे लाइसोसोम्स आते हैं, अब वो धीरे धीरे इस पर एक्ट करके जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ नहीं बचेगा, कंप्लीट डिस्ट्रॉय, ठीक है। सेल अपने आप को ही खा जाएगा, सो दिस इज ऑटोफैगी। नाउ थर्ड वन इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस अमीबा के लिए, मतलब ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका फूड है। अब वो कैसे लेगा? यहाँ पर उसने पॉड बना लिया विच इज सूडोपोडिया, अब वो फूड को अंदर ले लेगा। तो लाइसोसोम जो होगा प्लस जो फूड पार्टिकल है ऐसा बन जाएगा। तो ये जो लाइसोसोम है ये प्राइमरी है, प्राइमरी लाइसोसोम बोलोगे इसको, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये जो बन गया है, जब फूड एंड लाइसोसोम, जब फूड के अंदर फूड जब लाइसोसोम के अंदर इनक्लोज्ड हो गया है, उसे बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सो दीज आर द थ्री जो थिंग्स हैं, लाइक मैक्रोफेज, ऑटोफैगी एंड फाइगोसाइटोसिस। तो ये तीन फेजेस में वर्क करता है हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिर आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? मैक्रोटिब्यूल्स, मैक्रोटिब्यूल्स। अब इसका काम क्या होता है? इसका बहुत सिंपल वर्क होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। क्या करता है? सेल साइकिल में इसका काम होता है सेल डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? बाइलिपिड होता है, बाइलिपिड लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर। कैसे? ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बाई, बाई मीन्स टू लेयर। अब इस लेयर को समझ लेते हैं। ये जो पार्ट है ये है फोस्फोलिपिड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फोस्फोलिपिड। तो बाइलिपिड लेयर किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जिसमें से एक ये हेड जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, टेल जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया मीन्स फियर, राइट? तो हाइड्रो मीन्स वाटर, सो वाटर से दूर भागता है, फियर ऑफ वाटर, वाटर से ओपोजिट होगा। और हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज प्रोटीन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, सो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर सेल, प्रोटेक्टिव लेयर। कैसा होता है? मैट्रिक्स जैसा, और बोल सकते हो जेली लाइक होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और को किसी भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से बचने में हेल्प करता है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी क्या है? दो पार्ट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दो पार्ट हो गए। एक होता है सेमी परमीएबल, दूसरा होता है सेलेक्टिव परमीएबल। सेमी परमीएबल, सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ। अब क्या होगा सेमी में? क्या होगा? इसके पास लेट सपोज 10 सीट्स बची हुई हैं, तो इनमें से किसी को भी, वो बोलता है कोई भी आ जाओ, किसी को भी इनवाइट कर लेगा ये, चाहे ये वाला पार्टिकल हो या ये वाला पार्टिकल हो, सबको इनवाइट कर लेगा जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब सेलेक्टिव वाला क्या बोलेगा? नहीं, मेरे पास कुछ सेलेक्टेड गेस्ट ही होंगे, तो वो क्या करेगा? सिर्फ सेलेक्टेड गेस्ट को ही एंट्री देगा। ओके, सो दिस इज सेलेक्टिव परमीएबल एंड दिस इज सेमी परमीएबल। तो टू टाइप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सेलेक्टिव वाला क्या करता है कि उसको पता है कि अंदर की लेयर है, उसको पता है कि अभी सारा जो भी चीज़ है, जो भी पार्टिकल्स है वो फ्रेंडली हैं, ठीक है, चाहे आप बात कर लो सोडियम पोटेशियम, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट को, उसने बोला ठीक है मेरे अंदर सब आ जाओ, बाद में वो जो है वो देख लेगा, डिसाइड कर लेगा किसको रखना है किसको नहीं। अब सेलेक्टिव वाला बोलेगा नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अलाउ करूँगा। तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ ये सेलेक्टिव पार्टिकल्स को एंट्री देता है, सो इट डज नॉट अलाउ अलाउ फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, नाउ दिस, तो हमारा ये था एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें प्लांट करना है, और एट द एंड हम
एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे। सो आई होप आज की क्लास में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।